एक डाल दिया, अभी रुको 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 रुको, सारे लिया, सारे ले आओ आप इधर, ठीक है। जैसे हमारा कपड़ा आयरन हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया, अब इसने टेम्परेचर अपना बनाएगा, मेंटेन करेगा। तो ये देखिए डेमो के लिए हमने 3 कंबल इसमें डाले हैं अभी, और ये इन्होंने लॉक कर दिया इसको, ऊपर बटन दबा दिया, और ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से, ये हमारी लॉन्ड्री मशीन है जो व्हाइट लिनन को प्रोसेस करेगी। पे हम लोग सारा वूलन अपना, इसको हम वूलन ड्राई क्लीन इस पर हम करेंगे, मतलब इसके अंदर। हाँ ये देखिए, ये कपड़ा इसने सक कर लिया, अब हिलेगा नहीं कपड़ा है, देखिए आप खींच के देखिए, अब छोड़िए 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 छोड़िए, अब खींचिए, बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और मैं बताऊँ दर्शकों, इन्होंने इनका जो मॉडल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त मॉडल है। इन्होंने वेंडर्स रखे अलग अलग वार्ड्स में, मतलब कोई किसी के शॉप है जैसे, वहाँ आप छोड़ सकते हैं कपड़े अपने, या किसी के घर में जाके, है ना। बताना चाहूँगा आपको, जो ये हमारा मंडी का यूनिट है, ये हमारा 50 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी तक हमने जो अपने 21 वेंडर्स बना लिए हैं, हम अभी जो इसकी सर्विसेज हैं वो राइट फ्रॉम बिलासपुर ऑनवर्ड टू पंडो, कोटली, रिवालसर, चैल चौक, जिंजली तक इसको कवर करेंगे। तो फिर काफ़ी सोचने के बाद आइडिया है कि कुछ एक मेरे फ्रेंड हैं जो चंडीगढ़ से लॉन्ड्री ड्राई क्लीन करवाते थे, जिसमें कि काफ़ी टाइम लग जाता है, छोड़ो फिर वहाँ से लेने जाओ। उससे थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि क्यों ना हम यहाँ पर भी मंडी में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल हैं, और जो लोग हैं यहाँ पे जो महंगी साड़ियाँ हैं जो जिनको चंडीगढ़ वगैरह बेचते हैं, उसके लिए फिर हमने यहाँ पे सोचा कि Whether it's a last minute presentation or a weekend outing, trust us to keep your wardrobe looking sharp only at Bombay Dry Cleaners. ये जो बॉम्बे ड्राई क्लीनर्स की यहाँ पे आज जो स्टार्टअप शुरू किया है, वो हमारे मंडी शहर के जो बहुत नामी कारोबारी हैं आदनी श्री भगवंत सिंह जी, उनके द्वारा लोगों के लिए बड़ी अच्छी एक जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। ये मंडी के लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाजनक एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जो इन्होंने एक रखा कि ऑर्गेनिक तरीके से जो भी है इनका सिस्टम है बहुत अच्छा रहेगा। गुटकर में आरजे हवेली में खुला है बॉम्बे ड्राई, और आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ मशीनें आप देख सकते हैं जो ड्राई क्लीनिंग का और जिसे कहते हैं आयरनिंग का काम करेंगी। यहाँ भी आप पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत सी मशीनें हैं जो मेरे लिए भी बहुत ही नई हैं, इसलिए मेरे को पता भी नहीं इनको क्या बोलते हैं। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ भी 2 हैवी मशीन इधर दिख रही हैं, और एक ये मेरे को दिख रही है, ऐसा तो हमने देखा ही है। चलो अमूमन LG का है ये, कमर्शियल ड्रायर है ये, और ये वॉशर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसके बारे में जानते हैं और क्या इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये यहाँ दावा किया जा रहा है कि क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि विदाउट केमिकल जो है वो आपके कपड़ों को यहाँ पे ड्राई क्लीन किया जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं बहल जी से। तो जो ये बॉम्बे ड्राई का ऑपरेशन है वो बहल साहब संभालेंगे। सर स्वागत है हमारा इस छोटे से कार्यक्रम में आपका। ये बताइए क्या है ये मशीन्स, और ये डिफरेंट मशीन्स मुझे यहाँ दिख रही हैं, पर्पस क्या है इनका और किस प्रकार आप लोगों को सुविधाएं देने वाले हैं? हमारे यहाँ पे बेसिकली हमारा जो एम है वो है लोगों को एक हाइजीनिक क्लीनिंग और अच्छी क्वालिटी देना, अच्छी पैकिंग देना।
तो इसके लिए हमने जो ये यूनिट लगाया है, काफ़ी रिसर्च करा, 2.5 साल 3 साल तक रिसर्च कर रहे थे। उसके बाद जो वर्ल्ड बेस्ट मशीन्स हैं वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो हमारे पास ऑटोमेटिक प्रेस लाइन है, ऑटोमेटिक ड्राई क्लीनिंग मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक लॉन्ड्री मशीन्स भी हैं। जैसे ये मशीन जो मेरे पीछे है ना, इसका क्या काम है थोड़ा सा? इसका काम है, ये 3 टैंक फिल्ट्रेशन मशीन है जो ऑटोमेटिक, पहले चिलर, इसका जो सामने जो यूनिट देख रहे हैं आप छोटा सा, ये हमारा इसका चिलर यूनिट है, ठीक है। ये इस मशीन को माइनस टेम्परेचर पे पहले कूल करेगी, आपके कपड़े को सारा कूल करेगी। उसके बाद ऑटोमेटिक, ये एक हमारा केमिकल है जो मतलब इको फ्रेंडली केमिकल है, उसको अपने आप लेगी, उसको प्योरीफाई करेगी, कपड़ों को सेंस करेगी, उसके बाद ये अपने आप उसको ड्राई क्लीन करेगी। ठीक है, और इसमें जो न्यूमेटिक प्रेशर लगा हुआ है, जितनी प्रेशर की जरूरत होगी उसी हिसाब से सारा कुछ करेगी है। अच्छा, ये प्रेशर मेरे को मशीन है, उधर आगे भी दिख रहे तो सेम से। मैं आपको उस तरह से लॉन्ड्री मशीन से स्टार्ट करवाना चाहूँगा। तो क्या नाम बताया था इसका? लॉन्ड्री मशीन। हाँ, ये लॉन्ड्री मशीन है, ये हमारी लॉन्ड्री मशीन है जो व्हाइट लिनन को प्रोसेस करेगी। हाँ जी, हाँ। व्हाइट किसको? व्हाइट लिनन, व्हाइट अपना कॉटन क्लॉथ जो होता है उसको, बस उसके लिए एक्सक्लूसिव। ये उसके लिए एक्सक्लूसिव। देख सकते हैं अंदर बहुत बड़ा एरिया। कितनी कैपेसिटी होगी? 60 किलो की कैपेसिटी है इसकी जी। 60 kg की कैपेसिटी है इसकी हमारी। ये जैसे कंबल आ गए ना, ये इनको कहाँ डालेंगे? ये हमारी दूसरी मशीन में जाएंगे, वो वाली, उसके उस मशीन में जाएंगे हमारे। और यहाँ से कपड़ा जो आएगा वो यहाँ पे हमारा जो है, ये 70-80% जो है इसका पानी और जो अदर चीज़ें हैं वो इसको रिमूव करेंगे हमारे, ठीक है। अच्छा, ये भी सेम कैपेसिटी का मशीन है, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो उस मशीन से जो है स्लो मशीन है। 15-15 किलो का मशीन इक्विपमेंट है। okay. इस पर हम लोग सारा वूलन अपना, इसको हम वूलन ड्राई क्लीन इस पर हम करेंगे। और इसका ऑटोमेटिक ड्रायर है हमारा, ये एक बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इन मशीनों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ये इट्स ए इंडिविजुअल स्टैकिंग। एक डाल दिया, अभी रुको, सारे लिया हो आप इधर। अच्छा, ये अभी एक कंबल डाला है, देखते हैं इसमें कितने कंबल डाल सकते हैं। इसमें हम 10 डाल सकते हैं। 10 कंबल? जी हाँ। तो इसकी कैपेसिटी कितनी बताई आपने? 60 किलो प्लस है। ओ बाप रे, 60 kg प्लस। मतलब इसकी 60 किलो का लोड, मतलब हम 4 आदमी इसके अंदर जा सकते हैं बड़े आराम से। ये फिट हो जाएंगे इसके अंदर, देखो। दूसरा डाल दिया, अब ये देखिए कंबल आ चुके हैं। ट्रॉली ले आनी थी आपने उठा के? कोई बात, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी डेमो के लिए 3 काफ़ी हैं। तो ये देखिए, डेमो के लिए हमने 3 कंबल इसमें डाले हैं अभी, और ये इन्होंने लॉक कर दिया इसको, ऊपर बटन दबा दिया। और ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसमें हमने टाइमर सेट कर दिया हमारा, 21 डिग्री जो हमारा रूम टेम्परेचर है, वहाँ से जा कर के 60 डिग्री टेम्परेचर पर जाएगा। उसके बाद इसको कूल करेगा, फिर इसको ड्राई करेगा, फिर इसको कूल करेगा, एट लास्ट फिर यहाँ पर जो टाइमर हमने सेट किया है वो बंद हो जाएगा, और ये हमारा कपड़ा बिल्कुल 101% ड्राई होकर बाहर निकल जाएगा। हाँ जी बहल जी, ये 2 टेबल जो हैं ये क्या हैं? ये हमारी प्रेसिंग मशीन्स हैं, इनमें वैक्यूम टेबल्स हैं, क्योंकि जो आम तौर पे हम लोग घर में कपड़ा प्रेस करते हैं ना, उसमें क्या होता है, कपड़ा चिपकता नहीं है। अभी आपको हम देखे दिखाएंगे, मतलब इसके अंदर। हाँ, ये देखिए, ये कपड़ा इसने सक कर लिया, अब हिलेगा नहीं कपड़ा, देखिए आप खींच के देखिए। अब छोड़िए, अब खींचिए, बिल्कुल। अब फिर से दबाइए, अब करने जा रहा हूँ करना। इसके अंदर लगा हुआ है सक्शन सिस्टम, और ये इसको, इसका फ़ायदा क्या है? ये देखिए, ताकि हमारा जो गारमेंट है वो अच्छी तरह से बिल्कुल प्रेस हो जाए, प्लेन प्रेस हो जाए। इसके ऊपर फिर आप आयरनिंग करेंगे ना? आयरनिंग करेंगे इसके ऊपर, और हाँ जी हाँ, ठीक है। जैसे हमारा कपड़ा आयरन हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया, अब इसने टेम्परेचर अपना बनाएगा, मेंटेन करेगा, फिर अपने आप ये खुद ऊपर उठ जाएगा। तो ये जैसे ऐसे बंद होगा तब कपड़ा डालेंगे, फिर ये बंद होगा? हाँ, बंद हो जाएगा। और इसका जो टाइमर है वो हमारे हाथ में है कि हमको इसको कितना सेट करना है। क्वांटिटी के ऊपर देखा जाता कि कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना सेट करना पड़ेगा, कपड़े के हिसाब से अलग अलग टाइमर की सेटिंग होगी। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और मैं बताऊँ दर्शकों, इन्होंने, इनका जो मॉडल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त मॉडल है। इन्होंने वेंडर्स रखे अलग अलग वार्ड्स में, मतलब कोई किसी के शॉप है जैसे, वहाँ आप छोड़ सकते हैं कपड़े अपने, या किसी के घर में जाके, है ना? बताना चाहूँगा आपको, जो ये हमारा मंडी का यूनिट है, ये हमारा 50 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी तक हमने जो अपने 21 वेंडर्स बना लिए हैं, हम अभी जो इसकी सर्विसेज हैं वो राइट फ्रॉम बिलासपुर ऑनवर्ड टू पंडो, कोटली, रिवालसर, चैलचौक, जिंजली तक इसको कवर करेंगे। करीब करीब ये हमारा 50 किलोमीटर का राउंड ऑफ रेडियल, उधर हमारा जोगिंदर नगर तक है। तो भगवान सर और बहल साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, और आपको तो एक बार बधाई
इनको तो हम दे चुके हैं बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि इतना बढ़िया आपने सर स्टार्टअप यहाँ शुरू किया। सर ये कहाँ से आइडिया है इस चीज़ का कि ऐसा कुछ करना है, जबकि ऑलरेडी लॉन्ड्री की तो काफ़ी शॉप्स हैं मंडी में? इसके लिए एक्चुअली जो हमारा होटल है तो यहाँ से 4 लेन वैली व्यू से डाइवर्ट हो चुकी है या अभी होने वाली है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि होटल लाइन में तो फिर काफ़ी हमारा लॉस रहेगा, इतना बड़ा पैसा लगा रखा है हमने। तो फिर काफ़ी सोचने के बाद आइडिया है कि कुछ एक मेरे फ्रेंड हैं जो चंडीगढ़ से लॉन्ड्री ड्राई क्लीन करवाते थे, जिसमें कि काफ़ी टाइम लग जाता छोड़ो फिर वहाँ से लेने जाओ, उससे थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि क्यों ना हम यहाँ पर भी मंडी में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल हैं, और जो लोग हैं यहाँ पे जो महंगी साड़ियाँ हैं जो जिनको चंडीगढ़ वगैरह बेचते हैं, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे सोचा कि इसको हमने फिर इसके लिए एक अपना वेंडर्स हर वार्ड में मंडी में, नेर चौक में भी हमारे वेंडर्स हैं एंड सुंदरनगर में भी हैं, तो मंडी सुंदरनगर नेर चौक एंड सायथ में जितना भी एरिया लगता है 50 किलोमीटर बताया इन्होंने पूरा, हाँ जितना भी वहाँ पे हमारे वेंडर्स अभी कुछ तो हमने 20 के करीब तो बना लिए हैं, और भी हमारे जो वेंडर्स आपने बनाया उनके साथ भी कुछ उनको सैलरी पर रख रहे हैं कि उनका कमीशन सिस्टम है? नहीं, उनका कमीशन सिस्टम ही रहेगा क्योंकि उनका अपनी शॉप भी है, तो साथ में हमारा एक साइड बिजनेस करेंगे तो उनके लिए भी एक बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस हो गया, पार्ट टाइम क्या बोलेंगे उसको, इनकम हो जाएगी, हाँ साइड बिजनेस हो गया। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।